साइकोलॉजी एग्जाम का आप लोग कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। देखिए आप लोगों को लगता है कि कौन सा प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल डाउट सेशन क्लियर नहीं हो रहा है। तो देखिए मैं आप लोगों को यानी पॉलिटिकल साइंस का इसी तरह का वीडियो दिया था यानी एक कुछ घंटे पहले, जो उनमें से आपको 35 से 30 प्रश्न पूछे गए थे, तो मुझे काफी खुशी हुई थी। मैं आज आप लोगों को भी चाहता हूं कि साइकोलॉजी का भी जो प्रश्न मैं लेकर आया हूं तो ये पूरी तरीके से आप लोग प्रश्न पढ़ लीजिएगा। क्या पता कि यहां से भी आपको जो 30 से 35 प्रश्न अगर पूछ दिया जाए या फिर आपको कम से कम 10 से 20 प्रश्न अगर पूछ दिया तो काफी जो इंपॉर्टेंट होगा। तो पूरी तरीके से इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा एग्जाम यानी हॉल जाने से पहले पहले, क्योंकि इसी तरह के मैं मॉडल पेपर दिया था और 100 में 35 से 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मुझे काफी खुशी हुई थी। और आज का इस प्रश्न को आप लोगों को पूरी तरीके से देख करके तभी एग्जाम देने के लिए जाना है, क्या पता यहां से आप लोगों को पूरी तरीके से पूछ दिया जाए। तो सबसे पहला प्रश्न यहां पर देख पा रहे होंगे, क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से आत्मनियंत्रण की परिधि नहीं है, तो कौन जो है आत्मनियंत्रण की परिधि नहीं है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, नहीं क्या होगा, दूसरों के व्यवहारों को प्रक्षेपण का, राइट आंसर क्या होगा, प्रक्षेपण हो जाएगा, दूसरे क्या है, राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि रोसार्क परीक्षण में श्याम श्वेत कार्डों की संख्या होती है, तो रोसार्क परीक्षण में श्याम श्वेत कार्डों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर 5 होती है। ठीक है 5 करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे, यानी क्या बोला, यानी श्वेत श्याम, सॉरी श्याम श्वेत। ओके चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, कौन सा व्यक्तित्व शीर्षगुण है। देखिए पूरी तरीके से 100% या पूरी तरीके से वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पर तीसरा नंबर कौन जो है यानी व्यक्ति शीर्षगुण है, तो शीर्षगुण व्यक्तित्व शीर्षगुण है, तो यहाँ पर राइट आंसर तीसरा नंबर का क्या होगा, तो राइट आंसर डी नंबर, ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए मैं थोड़ा सा फटाफट करना चाहूंगा आप लोग को, अब यहाँ देखिए सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं होती है, तो यहाँ पर चार नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर क्या होगा, 3 यानी लक्षण होती है। ठीक है चलिए अब देखिए एब्रोफोबिया का अर्थ है, तो एब्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है, देखिए एब्रो मतलब होता है कि एफ्रो मतलब होता है, एक्रो मतलब होता है ऊंचा और फोबिया मतलब होता है जिसको डरता है, तो एब्रो मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर ऊंचाई से डरना। ठीक है राइट आंसर डी नंबर होगा। ओके अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, तो यहाँ पर 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी फ्राइड, फ्राइड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि छवि निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है, तो यहाँ पर 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर क्या होगा यानी पूर्व कथन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बी नंबर हो जाएगा। ओके चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला, प्रभावी मनोवैज्ञानिक में किन कौशल का होना आवश्यक है, तो यहाँ पर 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने हैं, तो 8 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बोले डी नंबर, यानी इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चले अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि किसने सबसे पहले बुद्धि लब्धि यानी पर्याय का विकास किया, तो बुद्धि लब्धि का सबसे पहले जो यानी संपर्क का विकास करते किसने किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 9 नंबर का, तो 9 नंबर का राइट आंसर बी नंबर विलियम स्टर्ने किया था, क्या हुआ विलियम स्टर्ने। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक परिधि नहीं है, तो यहाँ पर 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 10 नंबर का राइट आंसर तो यहाँ पर थोड़ा सा 10 नंबर को देख लीजिए क्या होगा, तो 10 नंबर का मेरे ख्याल से यानी डी नंबर होना चाहिए, तो थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिए इसमें कन्फ्यूजन है, बट आप लोग पूरी तरह से इसको रिसर्च कर लीजिएगा एक बार। ठीक है चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन से कारक है, तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि POX त्रिकोण मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं, तो 12 का राइट आंसर सी नंबर, 3 व्यक्ति हो सकता है। ठीक है 3 व्यक्ति हो सकता है। ओके चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, फटाफट से देखिएगा, POX यानी पर्सन होगा, एक होगा क्या होगा, एक डॉक्टर होगा, तो बीच में डॉक्टर के पर्सन और डॉक्टर के बीच में कुछ होता है, तो इसे 3 व्यक्ति होता है। ठीक है चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसे सामाजिक प्रभाव कि एक प्रक्रिया नहीं माना जा सकता है, तो यानी सामाजिक यानी कौन सा होगा, राइट आंसर जल्दी से आप लोगों को बोलने हैं, तो 13 का राइट आंसर डी नंबर होगा, सहयोग करेक्ट आंसर होगा, सहयोग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोलेगा, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो कौन जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 नंबर का, तो 14 का राइट आंसर सी नंबर होगा, दंगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है चलिए आप लोगों को पूरी तरीके से देखना है क्योंकि मैं इसी तरह का क्वेश्चन पेपर जो यानी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में भी दिया था। ठीक है और 100% जो है मैं काफी खुश हुआ था उस दिन के यही सारे प्रश्न मैंने दिया और यही पूछा गया था, तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा पूरी तरीके से। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि व्यक्ति किस तरह की अवस्था को वंचन कहता है, तो वंचन किस तरह की अवस्था को कहता है, तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो 15 का राइट आंसर ए नंबर होगा, नहीं क्या होगा, मनोवैज्ञानिक अवस्था को। ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न, COVID-19 से बचने के लिए संप्रेषण करता एवं श्रोता
के बीच की दूरी, तो कोविड 19 से बचने के लिए कितना होती है, तो यहां पर देख लीजिए तो लगभग 6 फीट की दूरी होती है, यानी 2 मीटर, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 फीट से क्या 6 फीट, तो 2 फीट से 6 फीट नहीं होती है, 0 से नहीं होती है, तो यहां पर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 6 फीट अगर ओनली 6 फीट यानी 2 मीटर कम से कम दूरी जो है रहना चाहिए, 2 मीटर की दूरी से बच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, कौन सा संचार का तत्व नहीं है, तो कौन सा संचार का तत्व नहीं है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलेगा, तो पुनरानुभूति जो है ये क्या है, संचार का तत्व नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर क्या बोलेगा, परामर्श में कौन सा विशेषता नहीं पाया जाता है, तो परामर्श में कौन सा विशेषता नहीं पाया जाता, तो 18 नंबर का यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर का दंड करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, आइजैक व्यक्ति प्रश्नावली मापता है, तो आइजैक व्यक्तित्व प्रश्नावली किससे मापा जाता है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलिए 19 नंबर का, तो राइट आंसर बी नंबर होगा, जल्दी से आप लोग बोल सकते हैं। चलिए तो यहां पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलेगा, कि सी व्यक्तित्व किस बीमारी से संबंधित है, तो यहां पर 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, तो डी नंबर होगा, डी नंबर इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, कि किसने क्लांसी की अनुबंधन सिद्धांत बनाया, तो यहां पर देखिए फटाफट से बोलेगा 21 नंबर का, तो 21 का राइट आंसर यहां पर क्या होगा, श्री नंबर क्या होगा, यानी पहला करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोगों को देखना है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 130 से ज्यादा होता है उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर 22 नंबर का क्या होगा, जल्दी से बोलना है आप लोगों को, तो सी नंबर का अति श्रेष्ठ करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता कहा, तो यहाँ पर 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बोलने हैं, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर क्या होगा, क्या होगा वैक्लेशर, क्या होगा वैक्सलर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, सृजनात्मकता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर यानी 24 नंबर का क्या होगा, 24 का राइट आंसर सी नंबर का, यानी क्या होगा सॉली चिंतन यानी स्वयं चिंतन, ठीक है। चलिए अब देखिए खुद का यानी चिंता उसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, जीवन में सफलता संवेगिक बुद्धि द्वारा कितना निर्धारित होता है, तो यहाँ पर 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या होगा, 70% करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला गया, अंगूर खट्टे हैं ये किस यानी रक्षक परक्रम का उदाहरण है, तो यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, 26 करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर क्या होगा, यानी युक्तिकीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला गया, कि मैस्लो के अनुसार कौन सबसे श्रेष्ठ आवश्यकता है, तो फटाफट से आप लोग को बोलने हैं, तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर क्या होगा, आत्मशुद्धि करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, आत्मशुद्धि हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि किस समूह में सदस्यों के लिए हम लोग शब्द का प्रयोग होता है, तो हम लोग शब्द का प्रयोग किस समूह में होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी जल्दी से बोलने 28 नंबर का, तो 28 का राइट आंसर क्या, श्री नंबर यानी अंत समूह, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्राथमिक समूह देते हैं, ऐसा नहीं करने हैं, ठीक है, तो 28 का राइट आंसर श्री नंबर होगा, ओके। चलिए यहाँ देखिए किसने कुंठा अवकरात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो यहाँ पर क्या होगा 29 का, तो 29 का राइट आंसर ए नंबर होगा, डोनाल्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या बोला गया, किसने व्यक्तिगत स्थान के संपर्कतय का विकास किया, तो यहाँ पर क्या होगा 30 नंबर का बोल गया ए नंबर, यानी क्या होगा एडवर्ड हॉल एवं रॉबर्ट क्या होगा सोमर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया, माफरिंग का प्रयोग करने से क्या होता है, तो 31 का राइट आंसर क्या होगा ए नंबर, यानी पीड़ा कम होती है, ठीक है। चलिए अब देखिए असामान्य व्यवहार का अंतर्निहित कारक कौन सा है, तो यहां पर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा डी नंबर क्या होगा, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए किसने लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के बारे में बताया, तो यहां पर क्या होगा 33 का जल्दी से बोलेगा ए नंबर का कैनन करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा कैनन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, एक सफल नेता एवं समाज सुधारक का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पर क्या होगा 34 का जल्दी से बोलेगा 34 का राइट आंसर क्या होगा बी नंबर, क्या होगा बहिर्मुखी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, द्विविग 5 मॉडल का प्रतिपादन किसने किया, तो यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बोलना आप लोग को, तो यहाँ पर जो हमारा 35 का करेक्ट आंसर है सी नंबर क्या होगा, नहीं कोस्टा एवं मैके ने किया था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इकिक्सन के यानी मनोसामाजिक विकास में कितनी आवश्यकताएं पाई जाती है, तो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोगों को बोलने हैं, तो 36 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर का 8 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्या बोलेगी, एकांगड़ी जुड़वा बच्चों में बुद्धि की
समानता कितनी पाई जाती है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा 37 नंबर का, तो 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा यानी सी नंबर, यानी क्या होगा 70-80% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मूल्य क्या है, तो मूल्य क्या होता है, तो 39-38 का करेक्ट आंसर बी नंबर विश्वास है। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि दबाव में दैहिक अनुक्रियाएं उत्पन्न होती है, तो यहां पर क्या 39 का राइट आंसर ए नंबर नहीं क्योंकि हाइपोथैलेमस में राइट आंसर क्या ए नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि प्राथमिक मूल्यांकन के संपर्क को किसने प्रतिपादित किया, तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा बी नंबर, क्या होगा लेजारस, क्या होगा लेजारस करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब यहां देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, डोपामाइन की अधिकता से कौन से रोग की संभावना है, तो 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर, क्या होगा यानी दूरी चिंता मनोविकृति, क्या होगा दूरी चिंता मनोविकृति करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि सामाजिक सिखाना सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो सामाजिक सिखाना यानी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो 42 का यहां पर राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर क्या होगा जल्दी से बोलेगा स्किनर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब यहां देखिए क्या बोला, वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ है, तो वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ क्या होता है, तो 43 का राइट आंसर क्या होगा सी नंबर क्या होगा यानी सी नंबर होगा यानी व्यक्ति के यानी विशेषताओं में अंतर और व्यक्ति के व्यवहार के पैटर्न के अंतर, तो राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि बुद्धि के दो कारकों का वर्णन यानी किसने किया, तो 44 का राइट आंसर क्या होगा सी नंबर क्या होगा एक मिनट देख लिया स्पीयरमैन ने किया था। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग कितने व्यक्ति पर होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर, इनमें से सभी व्यक्तियों पर होती है। ठीक है अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला, परामर्श में किस प्रकार की साक्षात्कार की आवश्यकता है, तो यहाँ पर 46 करेक्ट आंसर सी नंबर क्या होगा ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, ड्रा ए पर्सन परीक्षण का निर्माण किसने किया, तो 47 का यहाँ पर आंसर क्या होगा जल्दी से बोलना आप लोग को, तो परमिला पाठक, क्या होगा परमिला पाठक यहाँ पर होना चाहिए बट यहाँ पर है नहीं, तो इसका गलत आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, तो परमिला पाठक जो है क्या होगा ड्रा ए पर्सन परीक्षण का यानी निर्माण किया था, क्या नाम था परमिला पाठक नाम था, लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में। ठीक है चलिए अब यहां देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 48 नंबर करेगी निम्नलिखित में से कौन नॉफ्राइडवादी नहीं है, तो नॉफ्राइडवादी कौन नहीं है, तो नॉफ्राइडवादी जो है यानी क्या होगा राइट आंसर यानी 48 का तो डी नंबर होगा नहीं मैस्लो, करेक्ट आंसर क्या होगा मैस्लो। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, मृत्यु उदाहरण, तो मृत्यु किसका उदाहरण है, तो यूटेरस का, क्या होगा सॉरी यूस्ट्रेस का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नकारात्मक संवेग का उदाहरण है, तो नकारात्मक संवेग का उदाहरण कौन है, तो 50 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा तो डी नंबर क्या होगा राइट आंसर, देखिए जल्दी से अब यहाँ पर देखिए क्या बोला, करीब क्या बोला जा रहा है, 51 नंबर करीब 75% शारीरिक बीमारियों का कारण क्या होता है, तो राइट आंसर जो होगा दबाव करेक्ट आंसर क्या होगा यानी सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन में जो आ जाता है ना, तो उसका 75% जो बीमारी उसी से होती है। ठीक है चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कैटेटोनिक स्टूपर का एक लक्षण है, तो कैटेटोनिक स्टूपर का एक लक्षण क्या होता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर का, जल्दी से आप लोगों को भी बताना है, तो बी नंबर के मनोविदलता, क्या मनोविदलता करेक्ट आंसर होगा। ओके अब देखिए असामान्य व्यवहार एवं सामान्य व्यवहार में कैसा अंतर पाया जाता है, तो 53 का यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर क्या हो जाएगा यानी गुण करेक्ट आंसर होगा। ठीक है क्या गुण हो जाएगा। ओके अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि द्विध्रुवीय मनोविकृति के दो ध्रुव हैं, तो क्या क्या है, तो 54 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बी नंबर यानी क्या होगा विषाद एवं उन्माद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है 54 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कहेंगे निम्नलिखित में कौन वास्तविकता का नियम से यानी निर्देशित होता है, तो 55 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बी नंबर क्या होगा यानी आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला, चलिए अब यहाँ पर 56 नंबर देखिए क्या बोला, पारस्परिकता अवरोध का नियम किसका आधार है, तो यहाँ पर 56 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर होगा यानी क्रमबद्ध असंवेदीकरण का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, बुलिमिया एक ऐसी विकार है जिसमें क्या होती है, तो यानी रोगी को भूख ज्यादा लगती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर का बी नंबर होगा। ठीक है चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला, यह स्रोत व्यक्ति में विश्वसनीयता अधिक होती है, तो इसमें क्या होगा यहाँ पर देख लीजिएगा, तो 58 का राइट आंसर बी नंबर क्या होगा नहीं मनोवृत्ति परिवर्तन देरी से होता है। ठीक है चलिए अब अगला देखते हैं क्या बोला, मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से किस दृष्टिकोण से भिन्न है, तो यहाँ पर यानी क्या होगा राइट आंसर जल्दी से बोलेगा तो बी नंबर यानी क्या होगा विभेदन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि गुण रोपण में आंतरिक कारणों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो 60 नंबर राइट आंसर क्या बी नंबर क्या कहा जाता है चित्त वितरक कारण कहा जाता है। ठीक है कारक कहा था। ओके देखिए अब अगला प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित में से किसमें
यानी सदस्यों में पूरक कौशल होता है, तो 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर का दल में होता है, दल में यहाँ पर देख लीजिए, यानी दल में ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, 62 नंबर, कौन अनुरूपता का निर्धारक है, तो यहाँ पर 62 करेक्ट आंसर डी नंबर, डी नंबर का ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए एक संदर्भ समूह के लिए यानी सर्वाधिक वंचित अवस्था निम्नलिखित में कौन सा है, तो यहाँ पर क्या होगा 63 नंबर का, यानी क्या होगा 63 का जल्दी से बोलेगा, तो डी नंबर यानी समूह का क्या होगा प्रभाव, समूह का प्रभाव। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इसको एक बार एक दो बार रिसर्च करके मैं इसका पिन कर दूंगा। अब यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किससे ध्वनि मापा जाता है, तो ध्वनि जो मापा है डेसिबल से मापा है, तो राइट आंसर बी नंबर, ओके। चलिए अब यहाँ देखिए डोलार्ड एवं मिल्लर के अनुसार औकारात्मकता का मुख्य कारण है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जल्दी से बोलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर 65 नंबर का हो जाएगा, यानी क्या होगा सी नंबर, कुंठा करेक्ट आंसर होगा, ओके सी नंबर होगा, ठीक है। यहाँ देखिए कोलाहल की विशेषता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, तो कोलाहल होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 66 का राइट आंसर ए नंबर का, क्रमबद्धता, क्रमबद्धता करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए साक्षात्कार प्रारूप की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता, तो 66 का राइट आंसर सी नंबर, सी नंबर क्या हो जाता है यानी साक्षात्कार की विशेषता विश्लेषण अवस्था, ठीक है। चलिए अब देखिए मानव संप्रेषण के तत्व कौन नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा 68 नंबर का, तो 68 का राइट आंसर बी नंबर का, यानी मनो क्या होगा मानकीकृत व्याख्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए परामर्शदाता क्लाइंट के किस पक्ष को स्वीकार करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर 69 का, तो 69 का राइट आंसर जो होगा डी नंबर, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए 70 नंबर देखिए कौन सा मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कौन मनोवैज्ञानिक दबाव को नहीं है, तो द्विंद क्या होगा राइट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि आप लोगों को कैसे 700 प्रश्न ऑब्जेक्टिव मिलने वाला, जो कि वहीं से पूछा जाएगा, तो ये प्रश्न पूछ सकते अगर देख लेंगे तो आप लोग बहुत ज्यादा इसमें से प्रश्न पूछ जाएंगे, मुझे 100% उम्मीद है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, तो आप लोग 700 प्रश्न पढ़ेंगे, सबसे पहले गूगल में आइएगा, गूगल में आप लोग को टाइप करना bbphelp.com, ठीक है। मैं यहाँ पर जिस तरीके से टाइप कर रहा हूँ bbphelp.com, इस तरीके से आ जाएगा, और आप लोग को क्या करना है सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद अब यहाँ पर नीचे आएंगे, आते जाना आप लोग को यहाँ पर मिलेगा साइकोलॉजी का एक सेक्शन मिलता है, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर या सब्जेक्टिव मॉडल कुछ भी पढ़ना है, तो यहाँ पर आप लोग ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर पर क्लिक करना है, ठीक है। हाथ लगाएंगे यहीं पर ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर जहाँ लिखा हुआ है वहीं पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए नीचे आ गया होगा आपका यानी 10 मॉडल पेपर, तो यहाँ से आप सारे प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, नीचे सब्जेक्टिव का है सब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। तो चलिए आप लोग फटाफट से यहां पर जैसे एक मॉडल पेपर पढ़ना है तो क्लिक करेंगे पहला में क्लिक करेंगे, यहां पर देखिए आपको कंटेंट सारा मिल जाता है, यहां से पढ़िए और यहां से आप लोगों की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी।